डींडवाना के मौलासर इलाके से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां दो सगी बहनों समेत उनके दोनों बच्चों ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों मां और बेटे बेटी के शव कमरे में बेड पर और एक महिला की बॉडी फर्श पर पड़ी मिली। कमरे में चार फंदे भी मिले हैं जो कटे हुए थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले में दोनों बहनों के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने और उनकी हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने बयान के आधार पर मामला दर्ज कर छह लोगों को डिटेन कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि नुबा गांव की रहने वाली दो सगी बहनों का एक ही परिवार में ससुराल है। दोनों महिलाओं के पति 4 सालों से विदेश में कार्यरत हैं। लंबे समय से परिवार में विवाद चल रहा था। कुछ समय पहले बहनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप भी लगाया था। डींडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट। ये नुआ के अंदर जो अजीम खान के बच्चों के साथ में हमारी बच्चियों को ब्याह गया था, तो उसका जो रात को कल जो घटना हुई है, ये क्लियरली एक मर्डर की घटना है, 302 की घटना है ये। वहाँ के जो लोकल लोग हैं और हम लोगों ने जिस तरीके से देखा था एविडेंस, वो एकदम स्पष्ट इस बात का संकेत है कि ये 302 की घटना है। और 302 की घटना के आधार पर ही हमने मौलासर थाने के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया है। रात को मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस हमें जिस तरीके से कोऑपरेट कर रही है, पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी इसमें नामजद हैं वो सब गिरफ्तार हों, और यदि जिस तरीके से टोटल जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग पुलिस को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन यदि पूरी कंप्लीट गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक ना तो हम यहाँ पर पोस्टमार्टम करेंगे होने देंगे और ना हम किसी भी प्रकार से बॉडी को लेंगे। ये मौलासर थाना इलाके में नुआ गाँव है, वहाँ की एक ही परिवार में सिंगरावट की दो बेटियाँ ब्याही हुई थी। उन दोनों बेटियों की डेड बॉडी व एक बेटी का, एक बेटी है 7 साल की वो, और एक 4 साल का बेटा है, इनकी डेड बॉडी वहाँ एक रूम में मिली है। और पीयर पक्ष को सूचना दी गई, पीयर पक्ष उपस्थित आया जिसने हत्या का आरोप लगाया है 7 लोगों पर, और 6 को हमने राउंड अप कर लिए हैं। सास बाकी है, सास की तलाश जारी है। दूसरा, इन दोनों के जो पति हैं वो सऊदी अरबिया में रहते हैं, वहाँ कोई काम करते हैं, और डेड बॉडी यहाँ डींडवाना मोर्चरी रूम में रखवा दी गई है। अभी मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराएंगे और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत है हत्या मानते हुए हम जांच करेंगे।